आज हम लोगों ने सेट थ्योरी का चैप्टर नंबर फाइव फर्दर थ्योरी ऑफ सेट्स एंड फंक्शंस ये स्टार्ट करना है हम शाम सीरीज को फॉलो कर रहे थे तो फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हमारी जो टॉपिक होंगे वो ऑपरेशंस ठीक है और ऑपरेशंस किस पर कलेक्शन पर कलेक्शन क्या होती है कलेक्शन पर ऑपरेशंस क्या करते हैं और उनकी एग्जाम्पल्स होंगी हमारे पास कलेक्शन क्या होती है कलेक्शन हमारे पास एक खास किस्म का सेट होता है जिसके एलिमेंट्स खुद सेट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास एक्स ले वन एंड टू तो इसकी अगर मैंने कलेक्शन बनानी है तो कलेक्शन को आप जो है स्टाइलिश वर्ड से नेम्स देते हैं स्टाइलिश ए लिख लें स्टाइलिश सी लिख लें ठीक है तो इसकी मैं कलेक्शन बना रही हूँ अगर मैं इसमें से इस सेट के सबसेट्स कुछ उठा के या सारे उठा के रख दूँ तो वो आपके पास क्या हो जाएगी कलेक्शन हो जाएगी ये नहीं मतलब कलेक्शन एक सेट पर डिफाइन की जाती है इस तरीके से कि उस मेजर ग्राउंड सेट के आप क्या लेते हैं सबसेट्स लेते हैं और उनको उठा के एक और सेट बना देते हैं जैसे आप पावर सेट बनाते हैं पावर सेट भी आपके पास एग्जांपल है किसकी कलेक्शन की देन ऑपरेशन आपके पास आता है कि कलेक्शन का आप यूनियन किस तरह से ले सकते हैं तो कलेक्शन के यूनियन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और सिंपली आप यू स्टाइलिश ए भी लिख सकते हैं या आप इसको यू फॉर ए बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए ठीक है और यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हैं ये तीनों नोटेशन आप यूनियन ऑफ़ कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूनियन ऑफ़ कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ठीक है विच बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन ऑफ द मेम्बर ऑफ स्टाइलिश है कहना चाह रहा है वो ये कि यूनियन में बेसिकली यूनियन ऑफ कलेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कम से कम उस कलेक्शन के किसी न किसी एक मेंबर में फॉर सम किसी एक मेंबर में कम से कम किसी एक मेंबर में हो ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी मेम्बर में हो जाए तो उनको जब मिला के आप एक सेट बनाते हैं वो बेसिकली उस कलेक्शन का यूनियन कहलाता है बिलफर्ज़ अगर मैंने ये कलेक्शन ली हुई है ठीक है तो इसका अगर मैं यूनियन लूंगी तो इनके मेंबर्स का आपने यूनियन लेना है मतलब ये ए वन हो गया ये ए टू हो गया और ये दोनों ए वन हो ए टू हो वो स्टाइलिश एक के अंदर से है ना तो इनका जब आप यूनियन लिखेंगे तो वो आपके पास इसका मैं यूनियन यहीं पे लिख रही हूँ यूनियन ऑफ आप स्टाइलिश आपके पास क्या बनेगा जो उसके मेंबर्स होंगे ठीक है क्या होंगे जो उसके मेंबर्स होंगे उनका आपने यूनियन लेना है वन और सिंगलटन वन और सिंगल्टन टू स्टाइलिश एक के मेंबर्स हैं लिहाजा आप इन दोनों का यूनियन ले लें तो आपके पास वन और टू बनेगा ठीक है ये बेसिकली आपका क्या है यूनियन ऑफ कलेक्शन इस तरीके से आप निकालते हैं किसी एक में भी हो बिल फर्स्ट यहाँ पर मैं इसको वेरिएट कर देती हूँ इसमें एक और एलिमेंट डाल देती हूँ वन टू तो फिर देखें आप वन दो सेट्स में आगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूनियन में आप एक ही दफ़ा लिखते हैं तो यूनियन ऑफ कलेक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोस मेंबर्स मौजूद है तो वो यूनियन में चला जाता है इस तरीके से आप बेसिकली कलेक्शन का यूनियन लेते हैं अब अगर हम देखें कि इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन क्या होती है इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन को हम इन तीन वे से डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एस एट दिलोंग्स इंटरसेक्शन ऑफ स्टाइलिश ए कलेक्टिवली या इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग टू स्टाइलिश आम अल्फाज में कलेक्शन के इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर्स आते हैं कलेक्शन के इंटरसेक्शन में वो मेंबर्स आते हैं जो स्टाइलिश ए के तमाम मेंबर्स के अंदर हों मतलब अगर आपने ये कलेक्शन ली है और आप इस कलेक्शन का इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो बेसिकली आप क्या करेंगे इसके मेम्बर्स सिंगलटन वन और सिंगलटन टू इसके मेंबर्स हैं इनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे इनके आपस में इंटरसेक्शन लेने से क्या आपके पास आया एम टी सेट आया लिहाजा इस कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन आया है वो एम टी बिल फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा कर दूं। मैं मतलब मोडिफाई uh, कर देती हूँ इसको कलेक्शन में चेंज कर देती हूँ मैं ले लेती हूँ वन और टू ठीक है और साथ में यहाँ से मैं ये वाला सेट रिमूव कर देती हूँ ये भी तो कलेक्शन ही है ना कलेक्शन मैंने आपको बताया ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर्स खुद सेट्स हों तो ये सेट्स ही है अब मैंने इस कलेक्शन का इंटरसेक्शन लेना है तो इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लें इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिंगल टन टू आ रहा है लिहाजा मैं कहूँगी कि इस कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन आया है आपके पास वो आया है सिंगल टन टू तो ये बेसिकली आपने कलेक्शन कलेक्शन का इंटरसेक्शन कलेक्शन का यूनियन सीखा और अभी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ये हमारे पास एक कलेक्शन है और हमने इसकी एप्लीकेशन यूनियन और इंटरसेक्शन की बनानी है तो अगर हम इसका यूनियन निकालें बेसिकली इस कलेक्शन का यूनियन तो कलेक्शन के यूनियन में क्या आएगा इन तमाम मेंबर्स का कलेक्शन के तमाम मेंबर्स का यूनियन लिया जाए वन टू थ्री का टू थ्री फोर टू थ्री फाइव के साथ अगर इंटरसेक्शन यूनियन लिया जाए तो वो बनेगा वन टू थ्री और फोर और फाइव मीन्स ये आपके पास आ गया इस कलेक्शन का यूनियन अब इसी कलेक्शन का इंटरसेक्शन निकालते हैं वो कैसे बनेगा कलेक्शन के इंटरसेक्शन का मतलब है उसके मेंबर्स का आपस में इंटरसेक्शन इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन देखें तो कौन सा लेटर है जो सब में कॉमन आ रहा है टू सब में आ रहा है उसके बाद थ्री सब में मौजूद है लिहाजा इस कलेक्शन के इंटरसेक्शन में थ्री और फाइव आएंगे इसी तरीके से जो भी कलेक्शन आपको देंगे आपने उसका यूनियन और इंटरसेक्शन इस तरीके से निकालना है अब आपके पास एक नई कलेक्शन दे दी है ठीक है और कलेक्शन में आपके पास इंटरवल्स पड़े हैं आपने इसका यूनियन और इंटरसेक्शन लेना तो इसको आप पहले स्केच कर लें तो बेहतर तरीके से आप यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे पहला वो इंटरवल कहता है माइनस वन से वन तक यहाँ पर जीरो ये माइनस वन और ये वन क्योंकि ये क्लोज इंटरवल्स हैं तो पहला मेंबर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया नेक्स्ट मेंबर कहता है माइनस टू से टू तक तो मीन्स नेक्स्ट मेंबर आपका यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ होगा फर्स्ट आपका यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हुआ है इसी तरीके से आप आगे चलते जाएंगे तो आपके लेटर्स कंप्लीट होते जाएंगे और यहाँ पर एन आपको नहीं पता कि एन कितना है लिहाजा सो so ऑन की कंडीशन यहाँ पर आगे लगी हुई है तो जब मैं इसका यूनियन लूंगी तो यूनियन में तो सारी की सारी रियल लाइन नहीं आ जाएगी तो लिहाजा इस कलेक्शन का जो यूनियन आएगा वो आपके पास रियल लाइन आएगी और अभी इसी का इंटरसेक्शन अगर हम चेक करें तो इंटरसेक्शन में वो चीज आती है जो कॉमन हो अब देखें ये जो इंटरवल है ये सबसे छोटा है क्योंकि जो सेकंड वाला इंटरवल है वो यहाँ से यहाँ तक है तो उसमें ये वाला पोर्शन आ रहा है ये देखें अगर मैं थर्ड इंटरवल लूंगी तो वो माइनस थ्री से थ्री तक आएगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और उसमें भी ये आएगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास इंटरसेक्शन में आ रहा है तमाम सेट्स के अंदर मौजूद है तमाम वो सेट्स जो के अंदर पड़े हुए, उनके अंदर कॉमन क्या चीज आती है? वान से वान तक, इस का जो है और इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप चाहते हैं कि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व किए जाए तो कमेंट सेक्शन में लाजमन हमें बताए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें लिंक शेयर किया करें और लाइक भी किया करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते तो फिर जो लेक्चर होता है उसका मुला इतना डाउन हो जाता है वो दोबारा उस पर वीडियो बनाना प्रेफर नहीं करता अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है किसी सब्जेक्ट का तो फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं उसकी फ़र्दर वीडियोज़ को अपलोड करते हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि चैनल की रेटिंग को बढ़ाने के लिए या हमें सपोर्ट करने के लिए आप क्या किया करें कमेंट सेक्शन में लाजमन आया करें हमें बताया करें कौन कौन सी प्रॉब्लम आपने फेस की है और हमारी वीडियोस ने किस तर आपको हेल्प किया है थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग